नमस्कार प्रणाम, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस स्मोक एसएससी पर। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और पिछले कुछ वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स नए भी जो कमेंट दे रहे हैं उनका आंसर सही है ना, उन सभी लोगों को बेस्ट विशेस। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, हम लोग डेफिनेटली सक्सेस होंगे। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना। हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए और हम उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी की मुट्ठी में सांसों के दाने हैं, जिंदगी की मुट्ठी में सांसों के दाने हैं, कुछ भुन गए, कुछ भुन रहे, कुछ भुन जाने हैं। इसलिए समय शेष है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उस पे पकड़ मजबूत कीजिए। जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होइए, जल्दी से जल्दी जो है सफलता को हासिल कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वन वन लाइनर, बहुत सारा डाटा मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उस डाटा को मैं कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूं जीएस या जीके से। तो नोट्स ज़रूर बनाते चलें और पिछली वीडियो ज़रूर देखें, डे बाय डे करंट अफेयर्स को करते चलें। एक भी दिन यदि आपने छूटा तो फिर आगे समझिए 3-4 दिन का छूटने वाला है ना, ह्यूमन नेचर है। इसलिए चाहे कितनी भी ज़रूरी पड़े, कितना भी ज़रूरी काम हो, करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था यूनेस्को वाला, ठीक है, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था प्यारे बच्चों, कि शांति निकेतन को जो है विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है। मोस्टली बच्चों ने जो है सही आंसर दिया था। आज देखेंगे यूनेस्को ने भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में, विश्व धरोहर स्थल के रूप में होयसल टेम्पल, है ना, होयसल के मंदिरों को चुना है, है ना, जो कि कहां पर है, कर्नाटका में। तो ये याद रखेंगे हम लोग, है ना, किसे चुना है, होयसल के मंदिर को यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया की 42वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे होयसल टेम्पल कर्नाटक के रूप में चुना है यूनेस्को ने, है ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लगभग 10 बार बता चुका हूँ, कमेंट बताइए, जल्दी से कर दीजिए। जेनेवा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, क्या यूनेस्को का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है, है ना। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अत्रेपुरम पुथा रे के लू, अगर मैं हिंदी की बात करूं, अत्रेपुरम पुठा रे के लू, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये चावल और गुड़ की मिठाई है, है ना, राइस और जो गुड़ होता है उसकी मिठाई है ये। ये क्या है, ये स्वीट्स है, किसका, अत्रेपुरम पुठारे केलू क्या है, एक प्रकार का स्वीट्स है जो कि चावल और गुड़ से बनाया जाता है। इसको हाल ही में GI टैग मिला है, इस स्वीट्स को, अत्रेपुरम पुठारे केलू जो चावल और गुड़ की मिठाई है, इसको हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये अत्रेपुरम पुठारे केलू किस राज्य की मिठाई है, स्वीट्स है, तो वो है प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश की, याद रखना, आंध्र प्रदेश की, किसकी है, आंध्र प्रदेश की मिठाई है ये, जिसे GI टैग मिला है, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये GI टैग होता है प्यारे बच्चों, ये हर 10 साल बाद जो है पुनः रिव्यू होता है, 10 साल के लिए होता है ये एक तरह से, और हर 10 साल बाद जो है ये समीक्षा होती है, हर 10 साल बाद जो है ये क्या होता है, रिव्यू होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, 108वां संविधान संशोधन विधेयक, 108वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2008 ना, हाँ 2008, लगभग 13 साल हो गए। 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008 में जो पारित हुआ था, ये क्या था? ये वुमेन रिजर्वेशन बिल था, महिला आरक्षण विधेयक था। अब इसके बारे में सुनेंगे। हमारा जो नया संसद भवन है उसकी जो है कल उसमें मतलब परसों उसमें क्या हुआ, उसमें बैठक हुई और संसद के विशेष सत्र के साथ ही इसकी बैठक हुई और लोकसभा में जो है पहला जो है संसद के विशेष सत्र के दौरान पहला जो आरक्षण विधेयक, वो पहला जो बिल था विधेयक था, वो महिला आरक्षण विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। इससे पूर्व जो है केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी, ठीक है। और जो पुराना हमारा संसद भवन था उसे किस नाम से जाना जाएगा, याद रखना, उसे संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। संविधान सदन के रूप में पुरानी संसद को जाना जाएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है 108वां संविधान संशोधन विधेयक 108, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 2008 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस दौरान इसे लाया गया था, इस बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया गया था, लेकिन पिछले 13 सालों से इस बिल को लोकसभा में अटकाया हुआ है। इस बार जो है इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे ये आशा की जाती है कि ये बिल जो है पेश हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं जरूरी है। क्या है इस बिल में, महिला आरक्षण विधेयक में ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जितनी भी सीट होंगी उस सीट का 33% जो है, उस सीट का लोकसभा और विधानसभा में जितनी भी सीटें होंगी उस टोटल का 33% जो है वो किसके लिए होगा, वो वुमेन के लिए रिजर्व होगा, यानी कि वो वुमेन के लिए रिजर्व होगा। इसे इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए लोकसभा में 99 सीटें हैं, टोटल कितनी है 545, वैसे 545 है, दो एंग्लो इंडियन को जो है हटा दिया गया तो 543। फिलहाल समझें, मानिए लोकसभा में 99 सीट है, उस 99 सीट में से एक तिहाई सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, है ना, यानी कि 33 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई और बची हुई 66 सीट किसके लिए हो गई, वो पुरुषों के लिए हो गई, बचे हुए सीट पुरुषों के लिए। लेकिन यहाँ याद रखिएगा इस 33 महिलाओं की सीट में भी 1/3 सीट जो है वो SC और ST समुदाय की महिलाओं के लिए, यानी कि सामान्य महिलाओं के लिए कितनी सीटें बच जाएंगी, 22, याद रखना। इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे प्यारे बच्चों, 73वां संविधान संशोधन 1993, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में जो पंचायत है, पंचायतों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए निश्चित रखी जा चुकी है। तो अभी फिलहाल पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है एक तिहाई, याद रखना, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नहीं दिया जाता था। इस बिल के माध्यम से ये चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी, तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ये कहा है कि वो किसी भी कीमत पे OBC के रिजर्वेशन को जो है घटाएगी नहीं। जो 27% का जो OBC को रिजर्वेशन मिला है वो कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर कम नहीं करेगी, OBC के रिजर्वेशन को घटाएगी नहीं, वो कहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने कहा है प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। गुजरात ने भी 27% किया है OBC रिजर्वेशन को, है ना, तो वो भी चीज आप लोगों को याद रखना और मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। अगला देखते हैं, मोनो क्लोनल एंटीबॉडी ये क्या है, क्यों चर्चा में है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि निपाह वायरस, अभी केरल कर्नाटक साउथ में देख रहे हो बहुत ज्यादा चल रहा है, जो निपाह वायरस है, इस निपाह वायरस से बचाने के लिए भारत सरकार जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मंगा रही है, खरीद रही है, एक तरह से किससे खरीद रही है, वो ऑस्ट्रेलिया से। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे खरीद रही है, ऑस्ट्रेलिया से, आप लोगों को याद रखना। निपाह वायरस से प्रोटेक्शन प्रदान करता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद ऐप का अनावरण या लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया है, वो किया है असम की गवर्नमेंट ने, ठीक है। असम की गवर्नमेंट ने सरपंच संवाद ऐप को जो है क्या किया है, लॉन्च किया है।
अच्छा, श्रीलंका जो है जिसका पुराना नाम क्या था, सिलोन, याद रखना। श्रीलंका जो एशिया क्रिकेट कप है उसमें सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली टीम है। एशिया कप के फाइनल में सर्वाधिक बार पहुंचने वाली अगर कोई टीम है तो वो है श्रीलंका। किसमें? जो एशिया क्रिकेट कप है ना, उसके फाइनल में पहुंचने वाली सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाली जो टीम है वो है श्रीलंकाई टीम, ये याद रखना आप लोग। हाल ही में 84 कलाकारों को, यानी कि 84 आर्टिस्ट को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है ना, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। हाल ही में 84 यानी कि 84 आर्टिस्ट को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है, और ये किसके द्वारा मिला है ये अवार्ड? संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, तो याद रखना, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मिनिस्ट्री द्वारा ये अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार के नाम से एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल शुरू की है, और ये मिशन रोजगार की शुरुआत उसी राज्य ने की है जिस राज्य ने सबसे पहले भारत में राइट टू वॉक यानी कि चलने का अधिकार दिया है। तो ये दोनों चीजें किस राज्य सरकार ने की है? पंजाब ने, है ना। पंजाब मतलब पांच नदियों का देश, है ना, या पांच नदियों का राज्य, जैसे भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने जो घरेलू सिलेंडर हैं, है ना, जो डोमेस्टिक कह लीजिए, जो सिलेंडर हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 450 रुपये प्रति सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर हैं, है ना, जो डोमेस्टिक हम लोग जो है घरेलू में चीज़ों में यूज करते हैं खाना बनाने में, तो 450 रुपये का प्रति सिलेंडर हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने, है ना। मध्य प्रदेश ने क्या कहा है कि हम जो है 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर आप लोगों को देंगे, ठीक। इसके अलावा चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 हाल ही में किसे मिला है? सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड हाल ही में रिट्स लिमिटेड को मिला है। क्या मिला है? सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 किससे मिला है? रिट्स लिमिटेड को। प्यारे दोस्तों देखिए, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हमें जो है सपोर्ट की आवश्यकता होती है, फिनेंशियली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट, हर तरह के सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिनेंशियली सपोर्ट से ज़्यादा हमें इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इमोशनली सपोर्ट के माध्यम से मैं आप लोगों की जो है मदद करूँगा। किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई संशय, कोई शंका, कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ, सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिए। एक बात याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे ये बात भी समझ गए कि लोग गिराने के लिए धक्का नहीं सहारा देते हैं, है ना। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, तो सपोर्ट भी हमें ध्यान से सोच समझ के लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्मार्ट बनिए, स्मार्ट मतलब थोड़ा सा अपना अच्छा बुरा समझिए, है ना। मेहनत करना है, अच्छा बुरा का मतलब है आपको पता होना चाहिए, स्पेशली कंपटीशन वाले टाइम में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस चैनल को फॉलो करना है, कौन सी वीडियोस देखनी है। देखिए बहुत सारा अंबार है, है ना, ये सोशल साइट्स में, ये यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक चीज़ सर्च करिए,
हजारों चीज़ें खुल के आ जाएगी, तो उतना समय नहीं है, है ना। जिस पर भी आपको भरोसा हो, जहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हो, सुलभ हो, इजी अवेलेबल हो, वहाँ से आप लोग करिए, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बन के, ठीक है। मेहनत करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, है ना। जो भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।